हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्लोबल चैट। जी हाँ, ग्लोबल चैट के ऊपर अपन ये वीडियो बना रहे हैं। मेरे को काफी ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स पे अभी भी पूछा जा रहा है क्या ग्लोबल चैट वापस आएगा, क्या कोई ऐसा अपडेट आएगा जिसमें ग्लोबल चैट वापस आ जाए, क्या होगा राणा जी बताओ। तो मैंने उनको बोला था मैं इस पर्टिकुलर एक टॉपिक में वीडियो कवर कर देगा, क्यों अपना ग्लोबल चैट गया था, क्या ग्लोबल चैट वापस आ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा वरना काफी कुछ मिस कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्लैश ऑफ क्लैन ने अपना ग्लोबल चैट यहां पर मे बी 2019 सितंबर में लगभग रिमूव कर दिया था गेम में से। तब सभी को काफी शॉक हुआ था। एंड वो क्यों रिमूव किया था, वो कुछ ऐसा पॉपअप आया था उस समय जब ग्लोबल चैट हटा था अपने गेम के अंदर। ये वाला पॉपअप आप देखिए, सनसेटिंग ग्लोबल चैट करके था कुछ, तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था एंड जिसके बाद यहां पर उन्होंने ग्लोबल चैट को अपने गेम में से हटा दिया था। एंड हटाने के पीछे के रीजंस क्या थे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीजन गाइस, एक तो अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज होता था ग्लोबल चैट में, वो फिर भी ठीक है, टाला जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट जो सबसे बड़ा मेन कारण है, जब इन्होंने सुपरसेल आईडी को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद जो सुपरसेल आईडी हैक करने वाले जो केसेस थे, हैक मतलब वो स्कैम कर लेते थे, उनको बोलते थे यहां जाओ क्लिक करो ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी देता हूं एंड उसके बाद उनकी आईडी वो अलग जीमेल पे ट्रांसफर कर लेते थे। तो ये जो फ्रॉडिंग वाला स्कैम जो चल रहा था ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड इसको बढ़ावा दे रहा था ग्लोबल चैट। एंड इसकी वजह से उनकी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था वर्क का। बार बार जो बंदे अपनी आईडी चली जाती थी वो सीधा कांटेक्ट करते थे सुपरसेल से एंड वो हैंडल भी नहीं कर पा रहा था एंड उन पे स्ट्रेस में भी हो गया होगा इस चीज का एंड वो इरिटेट हो गए। एंड इस कारण से वहां पर जो भी चीजें चल रही थी वहां काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी थी एंड इस कारण से वहां पर ग्लोबल चैट वाला जो बटन था वो सुपरसेल ने 2019 में डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल कर दिया, अब क्या ये वापस आ सकता है। मैं किसी भाई मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, सुपरसेल ने कोई डिसीजन लिया, बिल्कुल बोल्ड डिसीजन था ग्लोबल चैट हटाने का एंड बिल्कुल सही डिसीजन था क्योंकि काफी लोग ग्लोबल चैट की वजह से जिनको सुपरसेल आईडी के बारे में अभी तक नहीं पता था वो बंदे यहां पर अपनी आईडीज लूज कर रहे थे। अभी मे बी अवेयरनेस आ चुकी है इतना कि सुपरसेल आईडी में ये करने से आईडी जा सकती है, बट जब शुरुआती टाइम में सुपरसेल ने लॉन्च किया था तब नहीं था। तो लॉट्स ऑफ पीपल मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बंदों ने अपने आईडीज लॉस कर दिए, उनकी पूरी मेहनत पानी में चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था बिहाइंड दिस। एंड उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इनवाइट पॉलिसी, मतलब इनवाइट करे कैसे, क्लैन में बंदों को कैसे लेकर के आए, तो उसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी, वो जो ज्यादा सक्सेस नहीं है अभी भी आपको पता होगा जिन जिन के क्लैंस है वो कितना सफर करते हैं, उनके क्लैन में बंदे नहीं आते, अनसक्सेसफुल क्लैन चलाना कितना ज्यादा हार्ड हो चुका है अभी। सो ये एक रीजन तो है ही, अब बाकी कब आएगा मेरे को नहीं लगता गाइस कभी भी सुपरसेल वापस से ग्लोबल चैट को इंट्रोड्यूस करवाएगा। एंड गाइस अगर देखो 90% चांसेस है ग्लोबल चैट नहीं आएगा अपने गेम के अंदर, 90% बोल रहा हूं आउट ऑफ 100, बट 10% ने छोड़ दिया है। 10% में क्या चीज आ सकती है कि ग्लोबल चैट जैसा अपना पहले था ना वैसा तो कभी भी नहीं आएगा कि आप डायरेक्टली जाके चैट कर सकते हो, वो कुछ तो ग्लोबल चैट को चेंज कर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, न्यू फंक्शन जिससे आप अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हो, ऐसे फ्रेंड चैट बना देंगे या कुछ ऐसा करेंगे। वो अभी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए रिलेटेड टू ग्लोबल चैट आप सभी देख सकते हो, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट वो 10% वो है कि कुछ न्यू तरीके से ग्लोबल चैट को ये प्रेजेंट करे जिसमें ये सारी चीजें ना हो पाए, किसी का आईडी स्कैम ना हो एंड ये सारी चीजें हैं। तो होप सो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड मेरा जहां तक प्रेडिक्शन है भाई, ग्लोबल चैट कभी वापस नहीं आने वाला एंड सुपरसेल उसके लिए मूव ले चुका था एंड बस अब वो स्ट्रांग डिसीजन पे है अपने। एंड आप कितना भी किसी की भी सुमित भाई की वीडियो पे स्पैम कर लो ब्रिंग बैक ग्लोबल चैट, या मेन क्लैश ऑफ क्लैन के कमेंट सेशन को भर दो ब्रिंग बैक ग्लोबल चैट, कुछ नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा एक्शन। एंड हम एक सुपरसेल के ऑफिशियल क्रिएटर, आपको पता होगा हमने बात करी है इंटरनल टीम से जो सुपरसेल स्टाफ है, तो उनका भी रिएक्शन यही है, उन्होंने भी जस्ट यही बताया कि ग्लोबल चैट वापस नहीं लाएगी अभी तो, हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। तो
इंटरनल टीम से बात करने के बाद भी मेरे को यही मिला कि नहीं आएगा ग्लोबल चैट वापस, तो यही रहने वाला है गाइस। अब ग्लोबल चैट को भूल जाओ, जितना ज्यादा जल्दी भूल सको दिमाग से निकाल दो कि ग्लोबल चैट था। एंड गाइस ये हो सकता है सुपरसेल कुछ न्यू कॉन्सेप्ट ले आए ग्लोबल चैट का एंड इंट्रोड्यूस करा दे अपने आने वाले अपडेट्स में, तो वो कुछ हो सकता है पॉसिबल। चलिए ये तो बात अपन ने कर ली ग्लोबल चैट। अगर आपके ग्लोबल चैट से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट रीड करूंगा एंड मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। एंड गाइस इस वीडियो का लाइक कैंप रखते हैं 110 का, सो मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन। एंड चलिए अब अपन लेजेंड लीग का एक अटैक कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हमारे ट्रॉफी हो चुके 5309 एंड जो लास्ट बैटल डे था उसमें हमारा प्लस 8 हुआ था, प्लस 149 बहुत कम किया था मैंने, बट सामने मेरा बेस अच्छा था तो 141 ही डिफेंस गया, बट उसमें भी प्लस हुआ। चलिए आज का फर्स्ट अटैक है इस लीग डे का। सो गाइज आर्मी यूज हो रहा है येटी स्मैश, सो येटी स्मैश, यस येटी स्मैश है, लेट्स गो इनटू द डेक। देखते अभी क्या कर पाएगा, लाइव अटैक कर रहा हूं मेरे को नहीं पता, लाइव अटैक बहुत बार खराब चले जाते मेरे, बट फाइनली गाइस बेस इज डाउन देयर। एंड यहां पर सेंटर ये रहा, जंप यहां डालूं कॉर्नर। एंड गाइस यहां पर मैं डिसीजन ले चुका हूं, मेरे को यूज करना है अपना बैटल ब्लिंप, ठीक है बैटल ब्लिंप यूज करेंगे। यहां एक बेबी ड्रैगन डाल देते हैं एंड यहां एक विजर्ड डाल देते हैं, तो ये दो क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके बाद सेंटर में मैं सारे येटी डिप्लॉय करने वाला हूं, किंग क्वीन वार्डन बोलर हीलर्स, हीलर्स के आगे एक लून डाल देते हैं। एंड गाइज अभी मैं यहाँ पर वेट करेगा एंड मेरे को सेंटर डालना ही नहीं है, ये जितना ज्यादा राउंडली घूम जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है। चलिए वॉल ब्रेकर डाल लेते हैं, वॉल ब्रेकर का तो इतना यूज है नहीं बट फिर भी मैंने स्टिल यहाँ पर वॉल ब्रेकर्स को डाला एंड वॉल ब्रेकर ने वॉल अंदर तक का भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अमेजिंग। एंड अपने पास ब्लिंप है तो यहाँ से अपन ब्लिंप करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आ चुका है गाइज क्वीन है तो वहां पर मेरे को पॉइजन करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर रेज के साथ में अपन करने वाले फ्रीज एंड लेट्स सी, अभी यहाँ आरसी भी डाल देते हैं ताकि वो थोड़े हेल्पिंग कर दे वीएटीज का सेंटर ऑफ द बेस। एंड काफी सही चल रहा है, डिस्ट्रॉय कर देंगे आई थिंक सो, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ अपन डाल लेते हैं एक जंप एंड ये वाला मैं ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर वार्डन से एबिलिटी आएगा एंड गाइज होल्ड ऑन एंड सॉरी वो क्लैन चैट है मेरा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस आ गए, सॉरी फॉर दैट। चलिए परसेंटेज गेन कर लेते हैं, अभी भी क्वीन का एबिलिटी बाकी है, वार्डन एंड येटीज कुछ उस तरफ है एंड कुछ इस तरफ है। सो कितने परसेंटेज होगा कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, कितने परसेंट तक ये अटैक जाएगा। टू तो कंफर्म हो चुका है, क्वीन एबिलिटी बाकी है अभी भी स्टिल, बट बारबेलियन किंग भी यहाँ पर सामने देखने को आ रहा है। सो क्या बारबेलियन किंग मेरी क्वीन डाउन कर देगी, 75 का है, बारबेलियन किंग सक्सेसफुली डाउन। एंड गाइस अभी भी क्वीन परसेंटेज निकाल रहा है, कुछ विजर्ड्स वगैरह लाइव है एंड क्वीन काफी अच्छा वर्क किया मेरे लिए, एक और परसेंटेज अगर क्वीन निकाल दे तो मजा आ जाएगा। यस क्वीन ने सक्सेसफुली डाउन कर दिया एंड ये 70 प्लस परसेंट अटैक चला जाएगा, 3 होते होते रह गया बट स्टिल कोई बात नहीं, लेजेंड लीग में 3 होना थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करते रहेंगे हम। एंड अटैक कैसा लगा कमेंट करके बता दो, 70 हो गया, क्या ये 74 होगा, क्या ये 75 होगा, अब तो देखना पड़ेगा गाइस कितने परसेंटेज तक ये अटैक जाएगा। अच्छा वो एक और परसेंटेज इस वाली आर्चर ने कंफर्म कर दिया एंड अभी 4 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब 75 कंफर्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं 75 से और बढ़ता है या 75 अपना लास्ट परसेंटेज अटैक होता है। सो अभी राइट नाउ 74, अब 75 भी हो ही जाएगा एंड अब ये लास्ट आर्चर है जो भी ये कैनन टारगेट कर ही लेगा। सो दिस इज द फाइनल अटैक, 75% टू स्टार इन लेजेंड लीग, तो लीग डे की शुरुआत डिसेंट है। आगे गाइस देखते क्या होगा, बाकी लाइव स्ट्रीम 4 PM, स्टे ट्यून प्रेस द बेल आइकन, 4 PM फिक्स है हमारा टाइम, रोज आते नोटिफिकेशन नहीं आया ना चैनल खोल के देख लेना, लाइव दिख जाऊंगा ठीक है। तो 4 बजे बाकी जो 7 अटैक बचे वो लाइव स्ट्रीम में कर देंगे हम। तो होप तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड हैव अ नाइस डे क्लैशर्स, बाय बाय, लव यू ऑल।